वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ट्राइगो इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट बताऊंगा। ये वर्ड आपने हो सकता है पहली बार सुना हो, लेकिन ये कुछ नया नहीं है। ये इफेक्ट क्या है? जब हम दो इंसुलेटर को रब करते हैं, फॉर एग्जांपल वूल और बैलून आप स्किन पे देख रहे हैं, तो एक में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, दूसरे में निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और ये इफेक्ट का रीजन क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से जो एनर्जी मिलती है उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी। और जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो आपको पता है बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। जिसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हुए वो पॉजिटिव चार्ज, और जहां इलेक्ट्रॉन गए जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए वो हो जाता है निगेटिव चार्ज। तो अभी इस फिनोमिना को मैं आपको वर्चुअल लैब के थ्रू दिखाऊंगा किस तरह से ये बैलून चार्ज होगा। और ये जो आपकी वॉल स्क्रीन पे दिख रही है, ये जो वॉल आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, दिस वन इज वॉल, ओके, ये आपके दिख रही दीवार दिख रही है, किस तरह से बैलून इसमें स्टिक हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं बैलून न्यूट्रल है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल है। ये वूलन क्लॉथ भी पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, ये भी न्यूट्रल है। अब मैं क्या करूंगा, इस बैलून को रब करूंगा इस वूलन क्लॉथ से, आप देखेंगे उसके बाद बैलून निगेटिव चार्ज होगा और स्वेटर आपका जो है जिसको वूल क्लॉथ कह सकते हो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक चीज में वूल हायर है कंपेयर टू रबर। ओके, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चीज से हम डिटरमाइन करते हैं किसको रब करने से कौन पॉजिटिव चार्ज होगा कौन निगेटिव, क्योंकि चार्ज दिखते नहीं यहाँ पे दिख रहे हैं, अदरवाइज चार्ज ना पॉजिटिव दिखते हैं ना निगेटिव दिखते हैं। तो फैराडे ने सर ने इलेक्ट्रोस्टैटिक चीज भी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिटरमाइन करते हैं, इफ अपर वन इज रब विथ लोअर वन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक चीज देन अपर वन गेट्स पॉजिटिव लोअर वन गेट्स निगेटिव। तो लेट स्टार्ट प्रैक्टिकल। अब आप देखें इस बैलून को मैं रब करने ले जा रहा हूँ, इसको रब किया, आप देखें जैसे जैसे मैं रब कर रहा हूँ इसमें आप ये देखें निगेटिव चार्ज डेवलप होते जा रहे हैं, ये निगेटिव चार्ज और रब किया निगेटिव चार्ज इसमें एक्यूमुलेट हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियसली अगर मैं बैलून को यहाँ छोड़ भी दूँ ये देखिए अपने आप ये अट्रैक्ट होकर स्वेटर की तरफ चला जाएगा, ये स्टिक हो जाएगा, ये देखिए ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये न्यूट्रल नहीं रहा, अब यहाँ पे आप देखें नेगेटिव चार्ज इज मोर, और ना ही अब ये स्वेटर जिसको हम वूलन क्लॉथ कह सकते हैं ये न्यूट्रल रहा, अब ये इसमें आप देखें केवल पॉजिटिव चार्ज, दैट्स व्हाई इट इज अट्रैक्टेड। अब इसी चार्ज बैलून को मैं दीवार के पास ले जाऊंगा जिसको हम वॉल कह रहे हैं, आप देखें वॉल के पास ले जाऊंगा तो वॉल न्यूट्रल है, दीवार आपने अभी आप टच करो दीवार जो आपकी घर की वॉल है वो न्यूट्रल है, उसमें पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव रहा, लेकिन जिसके पास लेके आऊंगा तो इसमें बैलून क्या नेगेटिव चार्ज हो चुका है। तो नेगेटिव चार्ज आप देखें किस तरह से नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, और नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा लेकिन पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्ट करेगा तो बैलून दीवार से स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। और उसका रीजन भी आपको मैं हाईलाइट से करके बताऊं क्या रीजन है, यहाँ पे आप देखेंगे कि डिस्टेंस, अगर मैं निगेटिव चार्ज कंसिडर करूं यहां से ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इसी के पास का नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों में डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव की डिस्टेंस लार्ज है या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस लार्ज है, तो आपको देख के ही बता सकते हो कि आप देखोगे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस लार्ज है कंपेयर टू पॉजिटिव नेगेटिव। और आपको पता है कूलम्बियन फोर्स एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, वन अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स अधिक होगी, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का इंपैक्ट अधिक होगा, तो आंसर है अट्रैक्शन फोर्स का। जब अट्रैक्शन फोर्स का इंपैक्ट अधिक होगा तो ये बैलून इसमें स्टिक हो जाएगा और ये दीवार से आपका स्टिक रहेगा, कब तक, तब तक कि ये एनवायरमेंट से अगेन चार्ज गेन करके ये न्यूट्रल हो जाए तब तक ये रहेगा। इसको मैं दूसरे प्रैक्टिकल से शो करके दिखाऊंगा आपको। हियर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी दिस इज ए बैलून एंड हियर दिस इज ए वूलन क्लॉथ, व्हेन आई विल रब दिस नाउ सी दिस वन गेट्स चार्ज, नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हियर एंड पॉजिटिव चार्ज रिमेन लेफ्ट, सी नाउ हियर यू कैन सी दिस इज ए वॉल एंड व्हेन आई विल पुट नियर द वॉल सी this one gets positive charge, here we can see here positive charge on one side and negative charge on one side, now
इलेक्ट्रॉन अगेन इन मूविंग आउट, सी हियर इलेक्ट्रॉन्स ब्लू, दीज आर द नेगेटिव चार्ज मूविंग आउट, एज सून एज ऑल चार्ज नेगेटिव चार्ज विल मूव आउट, व्हेन पॉजिटिव चार्ज बिकम इक्वल टू नेगेटिव चार्ज इन बैलून, व्हाट यू विल सी, इट विल मूव डाउन। अब ये जो स्टिक था वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो गए और बैलून क्या हो गया, अगेन न्यूट्रल हो गया। तो जब ये चार्ज हो गया था तो चार्ज के कारण यहाँ पे इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज हो गए थे, जिसकी अट्रैक्शन मोर थी कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज, इसलिए स्टिक हो गया था। बट जैसे ही अगेन न्यूट्रल हुआ बैलून वापस से नीचे गिर गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।